हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज हम वॉशिंग मशीन की ड्रेन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे कि हम कपड़े धोते समय अब इस वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट वगैरह डाल देते हैं तो वो लीक करता रहता है और हमारा डिटर्जेंट ख़राब हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, तो देखिए अब हमने इसका बैक कवर खोल लिया है और ये जो ड्रेन का जहाँ पर ये वाल लगा होता है, जिसको हम डंपर वाल भी बोलते हैं, और इसको हम खोल लेते हैं। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कितना जो रुएँ, कपड़े के रुएँ और जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो यहाँ पर आके जमा हो जाती है, जो कि इस वाल को ठीक से बंद नहीं होने देती। और हमारा जो डिटर्जेंट का पानी है वो धीरे धीरे रिसता रहता है और सारा वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने वाल क्लीन कर लिया है, इसको आपने क्लीन कर लेना है अच्छे से, और जैसे आपने खोला उसको वैसे उसी तरीके से आपको फिट कर देना है और अच्छे से टाइट करके और फिट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने फिट कर लिया है और जैसे ही ये फिट था हमने वैसे ही फिट किया है। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर मशीन में पानी डाल के भी हम चेक कर लेते हैं कि ये पानी रुका है या नहीं। तो ज़्यादातर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि इसके अंदर कचरा फंस जाता है, तो कचरा फंसे होने के कारण वो धीरे धीरे लीक करता रहता है। तो दोस्तों देखिए, हम इसमें दो तीन मग के पानी हम डाल देते हैं और फिर हम ड्रेन पाइप को चेक करेंगे कि वहाँ से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा। दोस्तों तो पानी हमने इसमें डाल दिया है, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल भी पानी अब निकलना बंद हो गया है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। थैंक यू दोस्तों।